अमेज़न के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अमेज़न इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अमेज़न खुद भी चीजें बेचता है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ ऑनलाइन स्टोर। लेकिन ऑनलाइन स्टोर होने के साथ साथ इट्स अ प्लेटफॉर्म, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको एक किसी भी शख्स को ये परमिशन देता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में या जिस कंट्री में भी आप चाहें अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, तो अमेजोन आपके साथ पार्टनरशिप करता है और अमेजोन आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम करता है, कुछ फी भी चार्ज करता है। हु कैन सेल ऑन अमेजोन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेसेस भी सेल कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और एक ये क्यों अच्छा आइडिया कि आप बजाय इसके कि जस्ट आप ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करें, आप अमेजोन के ऊपर चीजें बेचें, वाई इट्स अ गुड आइडिया, उसकी वजह ये है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर लोग मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी बायर्स की तादाद मौजूद है, यानी आपके क्लाइंट्स बहुत बड़े तादाद में मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे अगर आपका आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है तो आप इसको बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं अपने बिजनेस को। और फिर हमने बिजनेस मॉडल के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि अमेजोन के ऊपर किस तरह से काम होता है, ये मैं जस्ट रिव्यू करवा दूं कि इसको स्टार्ट करने से पहले कि अमेजोन FBA के ऊपर काम किस तरह से होता है जी, कि यू सेंड योर प्रोडक्ट टू अमेजोन FBA, यानी फुलफिलमेंट बाय FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि अमेजोन आपकी चीजें बेचेगा। स्टेप वन में क्या है, यू सेंड योर प्रोडक्ट टू अमेजोन, उसके बाद क्या है, अमेजोन FBA स्टोर योर प्रोडक्ट, अमेजोन के पास आपकी चीजें चली गई, फिर आप क्या होता है, कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट, वो अमेजोन से आपकी चीजें परचेज करता है, अमेजोन FBA पिक्स एंड पैक्स योर प्रोडक्ट, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट पिक कर पैक करता है, Amazon FBA ship product to your customer, और इसी तरह से Amazon जो है वो चीजें ship करता है। तो आपका जो सबसे बड़ा काम है वो यहाँ पर है, product launch करना यहाँ तक सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि it's a very big decision, product research करना कौन सी product आपको launch करनी चाहिए। जब आप launch कर देते हैं तो फिर आपका एक ही काम रह जाता है, that is marketing, that is advertisement, इसके अलावा बाकी सारा का सारा काम Amazon पे होता है। तो अमेज़ॉन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑप्शन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपना बिजनेस अमेज़ॉन पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इन बेसिक चीजों को सीख के, अगर आप डायरेक्ट खुद नहीं भी करना चाह रहे, लेट से आपने वर्चुअल असिस्टेंट ही हायर करना है, लोगों से काम करवाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको सारी प्रोसेसिंग का पता हो, आपको पता हो कि हाउ डज इट वर्क, काम किस तरह से होता है। तो ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करने की पोजिशन में है, यानी जिनके पास जो है वो फाइनेंस नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं कि इन स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, और ये स्किल्स जो है वो आप वर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर अपना बना के, अकाउंट बना के लोगों को सेल कर सकते हैं ये सर्विसेज, और एक अच्छी अमाउंट आप कमा सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज वेल, आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था दी आइडिया जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। फिर मैंने बताया था कि VA क्या होता है, कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो VA होता है, वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। दो तरह के VA हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट होते हैं वो अमेजोन से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि वो जनरल होते हैं। स्पेशलिस्ट होते हैं जो खास स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह के अमेजोन FBA का VA होता है। और इसमें VA आप क्यों हायर करते हैं, कि बिजनेसमैन अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और बिजनेस को स्केल अप करने के लिए करता है। और VA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, VA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, शिपमेंट प्लान बनाना है, पे पर क्लिक की एड्स चलाना, सोशल मीडिया मैनेज करना, SEO मैनेज करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, रिव्यू प्रोक्योरमेंट, रिव्यूज हासिल करना प्रोडक्ट के लिए, और कस्टमर सपोर्ट करना है। ये 10 चीजें हैं, ये 10 चीजें हैं जो एक VA को जिसपे स्किल होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए।
आप जरूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, ये सारी सर्विसेज मैंने बता दी है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ, आपको प्रोडक्ट रिसर्च आती है, आप प्रोडक्ट रिसर्च के सर्विसेज चार्जेस ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे VAs हैं जिन्होंने सिर्फ एक काम के ऊपर कमांड हासिल की, प्रोडक्ट रिसर्च करना। आप प्रोडक्ट रिसर्च करके आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल फाइबर के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं और आप कहते हैं जी मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी, मुझे आती है और मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है। क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे 5 प्रोडक्ट रिसर्च कर दें, आप 5 प्रोडक्ट उसको रिसर्च करके दे देते हैं और उससे आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं $100 $200 $300 चार्ज करते हैं, डिपेंड्स के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आप ये चीज़ें ज़्यादा करते जाएंगे, फी भी अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च भी आपको आती हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग में भी आप एक्सपर्ट हों, लिस्टिंग भी आपको क्रिएट करनी आती हो, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हों तो तब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है वो शिपमेंट प्लान के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप सिर्फ PPC के लिए सर्विसेज दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर सर्विसेज दे सकते हैं। आप कहते हैं जी मुझे SEO बहुत अच्छी आती है, आप सिर्फ वो सर्विस ऑफर कर लें। जितनी चीज़ें आप मास्टर करते जाएंगे उतनी चीज़ें सर्विसेज आप देते जाएंगे और आप अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाते जाएंगे, सर्विसेज की टिकट साइज आप बढ़ाते जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर, के जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। आज का जो लेक्चर है, आज हम जो डिस्कस करेंगे, हाउ कैन यू स्टार्ट एन अमेज़न FBA बिजनेस। अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला आपने क्या काम करना है, यू हैव टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान। देखिए कोई भी आपने बिजनेस करना है, जैसे ब्रिक एंड मोटर मॉडल है, आपने फिजिकल कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि अगर हमने अमेजोन पर बिजनेस लॉन्च कर दिया तो हम कमाल जी, हम तो जो है वो पैसों के डॉलर्स के जो है वो अंबार लगा देंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत यह है कि ऐसा नहीं होता। टेक अमेज़ॉन एज अ बिजनेस। जब आप रियल वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे होते हैं, आपने लेट से कोई शॉप खोल ली है, आपने कोई स्टोर बना लिया है, आपने कोई स्टॉल लगा लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि जब स्टॉल लगा लिया है तो स्टॉल लगा के चीज़ें ला के रख देना इज सक्सेस ऑफ योर बिजनेस? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई कई महीने आपको स्टॉल भी आपने लगाया, दुकान भी बना ली, लेकिन उसका किराया आपको खुद से देना पड़ता है। फिर 6 महीने साल के बाद ऐसा मौका मिलता है कि आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल हो जाता है। आप 6 महीने के बाद, साल बाद आप ब्रेक इवन पे चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद आप प्रॉफिट पे आ जाते हैं, फिर 3 साल 4 साल बाद ऐसा होता है कि आप एक और शॉप ओपन करने की पोजिशन में होते हैं। तो द सेम मॉडल वर्क्स विद अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के लिए भी बिल्कुल इस तरह से है। इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र के साथ आपने काम करना है अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। और अगर आप VA हैं तो VA की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेट करे इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर को नहीं पता, वो तो ये समझता है कि अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचना शुरू की तो कमाल हो जाएगा। भाई कमाल तो नो डाउट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप कमाना नहीं शुरू हो जाएंगे, बाद का 6-6 महीने लग जाते हैं आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होने में। तो जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी, फिर आपकी ब्रांडिंग होगी, फिर सारा काम होगा, तो इट टेक्स टाइम। समटाइम आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आपको साल भी लग जाता है, तो आपको आपकी अभी जो है वो चीज़ें बिकना शुरू नहीं होती। लेकिन जब तक आप एज अ VA एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को एजुकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कितने महीने का काम है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो आपने एज अ VA काम करना है या आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, दोनों सूरतों में यू नीड टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान। एक पूरा बिजनेस प्लान बनाइए और उस बिजनेस प्लान को सामने रखते हुए अपने गोल्स सेट कीजिए और गोल्स के मुताबिक जो है वो आप काम करेंगे तो तब आपको फायदा होगा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिए।
जी, तो सबसे जो पहली बात मैं कर रहा हूँ कि टू स्टार्ट एन अमेजोन एफ बी ए बिजनेस यू हैव टू हैव अ प्लान इन प्लेस टू इंश्योर एवरीथिंग ऑन द राइट ट्रैक। तो एक बिजनेस प्लान जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, तब आप एक अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। जब आपने एक बिजनेस प्लान बना लिया, आपको पता है कि यार मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उन पैसों को मैंने अरेंज किया है या मैंने अरेंज करना है या किस किस को मैंने पार्टनर बनाना है, और सारा वर्कआउट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड योर नीश। नीश का मतलब है कि आपने देखना है, देखें अमेजोन पे तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, लेकिन अमेजोन ने उनको कैटेगराइज किया है। जैसे होम एंड किचन है, ये एक कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है, ये दूसरी कैटेगरी है, इसी तरह जो है वो एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये तीसरी कैटेगरी है, जो टॉयज है वो चौथी कैटेगरीज है, जो स्टेशनरी है वो पांचवी कैटेगरी है, बुक्स है एक और कैटेगरी है। इसका मतलब है कि आप हर कैटेगरी में तो बिजनेस नहीं करेंगे, आपको अपनी नीश फाइंड करनी है, अपनी स्पेस फाइंड करनी है कि आप किस स्पेस में काम करेंगे, किस नीश में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी कि मैं बच्चों के जो टॉयज हैं वो बेचना चाहता हूँ। यू हैव फाउंड योर नीश, आपको समझ आ गई, आप नैरो डाउन करते जाएं, जी मुझे बच्चों के टॉयज बेचने हैं। आप बच्चों के टॉयज कौन से बेचने हैं, कौन सा टॉय जो है वो आपने बेचना है, ये भी आपने डिसाइड करना है। लेकिन मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अमेजोन पे काम करने का जो तरीकाकार है वो अप्रोच डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे सेल करनी है और आप उसको बेचना शुरू कर देंगे। अगर आप इस तरह इस अप्रोच के साथ अमेजोन ज्वाइन करेंगे तो यकीनन अपना काम हो जाए। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने रिसर्च करनी होती है कि क्या इस प्रोडक्ट को बेच के मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। और अगर प्रोडक्ट भी आपकी बिक रही हो और आपको अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होता ऐसे बिजनेस का, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आप समझ लीजिए आप बिजनेस नहीं कर रहे। तो ये कभी भी अपने माइंड में सोच ना रखिएगा कि प्रोडक्ट बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं जी पाकिस्तान में हम स्पोर्ट्स का सामान बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो सर्जिकल का सामान बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो फुटबॉल बनाते हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के जो फुटबॉल है पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन बेशक ये हकीकत है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर अमेजोन खुद स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है तो आप अमेजोन के साथ कंपीट नहीं कर सकते। अगर अमेजोन जो है वो सेम प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो खुद ही बेची जा रहा है, तो आप प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते। तो ये मत समझे कि आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान की स्पेशलिटी जिसमें है वो अमेजोन पे बिक जाएगी। पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा, उन टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आगे जाके हम सीखेंगे, फिर आप देखेंगे कि मुझे इसमें आगे परसू करना है या नहीं। तो पहला स्टेप में बिजनेस प्लान बनाना, दूसरे में आपने अपनी नीच फाइंड करनी है। तो सेल ऑन अमेजोन एफ बी ए यू नीड टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीच एज अ मैटर as it matters your success. To have a profitable business, you need to do market research and find relevant, trendy and competitive product that align with your passion and interest. याद रखिए, जिस प्रोडक्ट के अंदर आपका पैशन नहीं है, जिस प्रोडक्ट को आप समझते नहीं हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है कि जो जिम का कोच है या जिसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, अब वो बंदा चीजों को समझता है कि मुझे किस किस्म की बेल्ट चाहिए वेट लिफ्टिंग के लिए। अब वो बंदा जब प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। एक बंदा है जिसको जो मोबाइल्स के बारे में बड़ा क्रेजी है, अब उसको पता है कि यार अगर मैंने कोई गेम या कोई मोबाइल लॉन्च करना है तो मैं कौन सा लॉन्च करूंगा। अगर एक बंदा जो है वो टॉयज के बारे में बड़ा उसका पैशन है और बड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा। एक किचन और होम के बारे में उसका उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसको इन चीज़ों के बारे में पता है और ख़ुद भी उसको कुकिंग का शौक है, तो डेफिनेटली जब वो ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च तो उसने
ऑलरेडी की होती है और हैंड्स ऑन उसका एक्सपीरियंस होता है। इसलिए आपने क्या करना है, नीश जब फाइंड करनी है तो नीश फाइंड करके आपने रिसर्च करनी है। अब रिसर्च के मैं आपको टूल्स बताऊंगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी कैसे, और उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्ट रिसर्च करके इसको फाइनलाइज करेंगे कि ये प्रोडक्ट मैंने मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करूं। लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में जाके सोर्सिंग की बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमें मिलेगी कहाँ। जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान से खरीदें, पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप चाइना से खरीद सकते हैं, अलीबाबा से सोर्स कर सकते हैं, किस तरह से वो करना है, एक एक चीज़ के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। तो दूसरा जो पॉइंट है जी, फाइंड योर नीश, अपनी नीश फाइंड कीजिए। तीसरा, स्टार्ट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च अब आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने मार्केटिंग रिसर्च में फाइंड क्या करना है, पहली बात आपने ये देखनी है रिसर्च के जरिए। आप कहेंगे जी रिसर्च करनी क्या है, पहली बात जो रिसर्च करनी है वो अमेजोन पे जाके आपने देखना है क्या ये चीज़ अमेजोन पे बिक रही है। अगर बिक रही है तो कितने लोग इसको खरीद रहे हैं, एक महीने में इसकी कितनी सेल है। अगर सेल का पता चल जाए फिर आपने देखना है कि इसको बेचने वाले सेलर्स कितने हैं। फिर आपने ये चेक करना है कि क्या अमेजोन खुद इसको बेच रहा है। अगर खुद बेच रहा है और जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी कि आप उस प्रोडक्ट को बेच सकें। तो आपको वो आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। रिसर्च के जरिए हम क्या करते हैं कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसको अमेजोन खुद भी ना बेच रहा हो और एक दो सेलर्स बेच रहे हो और उनकी उनके रिव्यूज भी को बहुत अच्छे ना हो, यानी लोगों को कंप्लेंट्स हो प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट्स हो। यानी आपने अपनी स्पेस फाइंड करनी है, और अगर स्पेस फाइंड करेंगे, आपको पता है कि यार एक चीज है, लोग अमेजोन पे इसको सर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन दो लोग या एक लोग बेच रहे हैं, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं उनके रिव्यूज अच्छे नहीं है, लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप समझ लिए यू हैव फाउंड अ गोल्ड माइन, आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, आपको ये पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट है जो अमेजोन भी नहीं बेच रहा, जिस पे एक या दो बायर बेच रहे हैं और उनके रिव्यूज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और फिर आप उनके रिव्यूज की स्टडी करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है। आपने फिर उसको स्टडी करना है, आपको समझ आएगी कि यार इनका प्रॉब्लम ये है कि लोग इसकी क्वालिटी से कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। अगर क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको समझ आ गई कि आपने क्वालिटी को किस तरह मेंटेन करना है। अब आपने ये देखा कि यार इस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो 100 से कम है। अगर रिव्यूज 100 से कम होते हैं तो हम उसको कर सकते हैं, और अगर 1000 में रिव्यूज होंगे तो हमें उस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब है कि उस बंदे ने जगह बना ली है और नए सेलर को उस तक पहुंचने में अच्छा खासा बजट लगाना पड़ेगा, और वो छोटी कंपनी बजट नहीं लगा सकती, तो आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर फाइंड करनी है। प्रैक्टिकली टूल्स को हम इस्तेमाल करके सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है, मार्केट रिसर्च होती क्या है, और उसमें हमने करना क्या होता है। वंस यू डिटरमिन योर नीश, जब आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने होम एंड किचन में जो है वो काम करना है, फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई इट ऑन द मार्केट विद मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च करनी है, सिर्फ ये नहीं कि आपने सोच लिया तो चीजें बेचना शुरू कर देनी है। आपने ये चेक करना है कि क्या ये अमेजोन पे लोग खरीद भी रहे हैं कि नहीं। यानी आप कोई ऐसी चीज बेचना शुरू कर दें जो आपको बड़ी पसंद है लेकिन लोग खरीद ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कीप ट्रैक ऑफ कंपेटिटर सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ये देखें कि जो आपके कंपेटिटर हैं, जो ऑलरेडी चीज बेच रहे हैं, उनकी मंथली सेल्स कितनी है, पैसों के हिसाब से कितने डॉलर्स की वो सेल करते हैं, और फिर आप देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से कि कितनी प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, और फिर आप देखिए कीवर्ड के लोग जो सर्च कर रहे हैं वो कितनी बड़ी तादाद में सर्च कर रहे हैं, तब आप डिसीजन करते हैं कि यार मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ट्रैकिंग योर कंपेटिटर विल गिव यू अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ द मार्केट। जब आपने कंपेटिटर को ट्रैक करेंगे तो आपको ज्यादा रियलिस्टिक व्यू मिलेगा नीश और सेगमेंट, जिस नीश में भी काम करना चाहते हैं, जिस सेगमेंट में भी काम करना चाहते हैं, वहां पे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट रिसर्च हम करते हैं उसके लिए विद टूल्स, कुछ टूल्स होते हैं,
उनका भी इस्तेमाल करते हैं, और विदाउट टूल्स, बगैर टूल्स के अमेजोन के ऊपर रह के भी आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, गूगल को इस्तेमाल करते हुए, गूगल एड्स को इस्तेमाल करते हुए, गूगल कीवर्ड प्लानर है उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और टूल्स के बगैर और टूल्स के साथ दोनों हम रिसर्च सीखेंगे कि किस तरह से हम रिसर्च करेंगे जब हम एक प्रोडक्ट को लेके पूरा उसके ऊपर एक रिसर्च जो है वो अपनी रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सप्लायर्स। ये बड़ा काम है, यानी जब आपने ये डिसाइड कर लिया पहला काम आपका खत्म हो गया, क्योंकि जब पहला काम खत्म करेंगे तो दूसरे काम पे जाएंगे। आपने रिसर्च की, आपने किन चीजों को देखा, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, रिसर्च की आपने देखा कि अमेजोन के ऊपर इसकी सर्च हो रही है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा आपने क्या क्राइटेरिया देखा कि अमेजोन के ऊपर लोग बेच रहे हैं इसको, और सेलर्स जो हैं जो बेच रहे हैं उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे नहीं हैं, स्पेस है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तीसरी चीज फिर आपने ये भी देखा कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि अगर एक चीज जो है वो $30 की बिक रही है, तो आपको ये पता कि यार वो $30 की बिक रही है, लेकिन अगर मैं अमेजोन से, ये अलीबाबा से लेता हूँ या पाकिस्तान से वो मैं चीज सोर्स करता हूँ, तो पाकिस्तान से तो मुझे वो $5-6 में मिल जाएगी, लेकिन क्या अमेजोन FBA तक पहुंचने में अगर वो $7-8 की प्रोडक्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अब जब प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली, तो अगला काम क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई सप्लायर, जिसको हम कहते हैं कि अब आपने सप्लायर फाइंड करने हैं। अब सप्लायर कहाँ पे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में ये जो होम एंड किचन इंडस्ट्री जो है वो क्या है, और अगर है तो वहां पे जाएं, विजिट करें, इंडस्ट्री को विजिट करें। यानी आपको पता है कि सियालकोट हमारा बिजनेस हब है, तो अगर आप इस पे काम करते हैं तो सियालकोट में जो, लेट से आपने स्पोर्ट्स का डिसाइड किया, तो स्पोर्ट्स का जो काम करते हैं जाके फैक्ट्री विजिट करें, उनको देखें, उनकी चीजें चेक करें, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के सारे काम हो जाते हैं। खास तौर पे जब आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, सप्लायर्स आपने तलाश करने हैं, तो आपको इन पर्सन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे आपके बिजनेस ने बनना भी होता है और तबाह भी होना होता है। अगर आपको अच्छा सप्लायर मिल जाता है जो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको देता है, तो वो आपके कारोबार की सक्सेस है, और अगर आपको बुरा सप्लायर मिल गया तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। और सबसे ज्यादा जो स्कैम्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं, और अभी मैं इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, और ये जो मैं आपको चैनल जो मैंने आईडी पाकिस्तान जो मेरा चैनल है, आप उस पे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर भी मैं वीडियोस बना के मैं डाल रहा हूँ, आप उसको जरूर देखा करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं कि आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मैंने चाइना से चीज़ों को सोर्स करना है। बाद ऐसा होता है कि जो नया बंदा होता है ना, वो अपने पैसे लुटा के बैठ जाता है, चाइना में सप्लायर फाइंड करता है, उसको पैसे देता है कि मुझे आप जो है वो ये सैंपल भेज दें, और वो बंदा प्रोडक्ट वो पैसे लेके उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। देखिए चाइना की अगर बात करते हैं, तो चाइना भी बिल्कुल, तो आप समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को दो नंबरी करने की आदत है ना, वहां पे इससे बड़ी मार्केट है। और वहां पे आप इस माइंडसेट के साथ जाइए, जब भी आपने अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है, प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन परचेज करनी है, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि आपके साथ धोखा हो सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ धोखा होगा। जहां पे आपने लापरवाही की, वहां पे काम शुरू करने से पहले आप अपना पैसा जाया कर लें। इसलिए इस चीज को बड़ा जहन में रखना है, ये बिल्कुल सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जाएंगे जी, आप कहते जी मैं चाइना में अलीबाबा के ऊपर गया, अलीबाबा के ऊपर मैंने प्रोडक्ट सप्लायर देखा कि ये सप्लायर है, उस सप्लायर को कहा जी मैं आपसे इतनी चीजें खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे सैंपल भेज दें। अब ऑब्वियसली आपने सैंपल लेने हैं तो उसके लिए कुछ पे करेंगे। बेशुमार दफा ऐसा होता है कि आप सैंपल परचेज लेते हैं और सैंपल के पैसे वो लेके वो गायब हो जाता है, और बाद का ऐसा होता है कि सैंपल आपको पसंद आ गया, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसने कहा जी मुझे 30% आप पहले पे करें, और आपने लेट से वो $5,000 की आपने चीजें खरीदनी थी, और आपने को 30% जो है वो 25-30% जो है वो परसेंट ऑब्वियसली आपको पहले पे करना पड़ेगा,
तो आपको 1,000-2,000 डॉलर अगर आपने पहले दे दिया, उसके बाद अगर वो बंदा गायब हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार है? इसको बिल्कुल फूल प्रूफ करने के लिए जो जिस तरह से सोर्सिंग करनी है, इसको पूरा आप समझ लीजिए कि सोर्सिंग का एक अलग से कोर्स है, और आप जब उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो आप बाकी चीजें बेशक छोड़ दें, आप सिर्फ बताएंगे कि मैं आपको प्रोडक्ट सोर्स करके दूंगा और मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसलिए हर जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक अलग कैटेगरी है सर्विसेज की जो आपने प्रोवाइड करनी है। तो इस पे हम हमारा पूरा लेक्चर, बल्कि एक लेक्चर से शायद ज्यादा हो जाए, सप्लायर फाइंड करने के ऊपर, जिसको हम प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कहते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए, यू कैन फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा एंड अदर B2B प्लेटफॉर्म सच एज अली एक्सप्रेस, गेट देयर कॉन्टेक्ट इन्फो एंड अदर बैकग्राउंड इन्फो इफ पॉसिबल। अब आपने सप्लायर्स के ऊपर रिसर्च करनी है, आपने उनके बारे में जानना है कि वो सप्लायर कौन से हैं, उनके बारे में आपने पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, और इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद आपने उनसे कांटेक्ट करना है, और फिर आपने उनसे पूछना है, उनको आपने एक प्रपोजल रिक्वेस्ट करनी होती है, जिसको रिक्वेस्ट करनी है प्रपोजल की, उसको कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। और इसमें आप समझ लीजिए कि जब आपको पता चल गया कि आपने सप्लायर फाइंड करने हैं, लेट से आपकी जो प्रोडक्ट है उसके आपने 20 सप्लायर फाइंड कर लिए, 20 में से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से सप्लायर्स को स्क्रीनिंग करनी है, यानी उसके कुछ चेक्स होते हैं, कोई 18-20 के करीब उसके टेस्ट होंगे। जो सप्लायर्स उन टेस्ट को पास करेंगे उनसे आप रब्ता करेंगे, बाकी तो आप समझ लीजिए कि आपने 20 से शुरू किया, यानी जब आप सर्च करेंगे ना सप्लायर्स, तो आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए हजारों में सप्लायर्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आपको क्राइटेरिया बताते जाएंगे कि भाई ये क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा वो हमारे काम का सप्लायर होगा, आप क्राइटेरिया अप्लाई करते जाएंगे तो वो सप्लायर नैरो डाउन होते जाएंगे, और एंड पे ऐसा होगा कि 20-25-30 रह जाएंगे, उनमें से जो बेस्ट 20 या 10 हैं वो आपने चूज कर लिए, और उन 10 से 20 लोगों को आपने कॉन्टेक्ट किया, और अलीबाबा के ऊपर आपको पूरी ऑप्शन मिलती है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, आपने उनको रिक्वेस्ट की फॉर कोटेशन या प्रपोजल के लिए, आपने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये चीजें मैं परचेज करना चाहता हूँ, और जो आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके मैं सैंपल भी आपसे शेयर करूंगा कि ईमेल आपने किस तरह लिखनी है। आपने ये बताना है जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि जनाब मैं आपसे ये चीजें परचेज करना चाहता हूँ, मैं आपसे जो है वो ये टॉय परचेज करना चाहता हूँ, मैं आपसे जो है ये होम एंड किचन के लिए कोई चीज परचेज करना चाहता हूँ, आप जो है लेट से आप कहते हैं जी मैं प्रेशर कुकर बेचना चाहता हूँ, आप उनको ऑर्डर करें जी कि प्रेशर कुकर जो है वो मिनिमम आप कितनी अमाउंट में देंगे, आप कोई स्टफ टॉय बेचना चाहते हैं तो स्टफ टॉय के लिए आप पूछेंगे कि जनाब मिनिमम कितनी अमाउंट आप जो है वो क्वांटिटी देंगे, वो कहेगा जी मिनिमम 500 पीसेस होंगे। एक दूसरा है वो क्लाइंट, वो कहता है जी मैं तो 2,000 पीस से कम देता नहीं हूँ। एक बहुत बड़ा सप्लायर है, वो आपको क्या करता है, आपको रेट कम देता है, लेकिन वो आपको कहते हैं जी मैं 5,000 से कम पीसेस नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें आपने अवेल्युएट करनी होती हैं, ऑर्डर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कितनी चीजें आप जो है वो दे सकते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या है वो आपने चेक करनी है, शिपिंग चार्जेस क्या होंगे अगर हम आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो पेमेंट की ऑप्शन क्या है कि किस तरह से पेमेंट के ऊपर हम करते हैं, क्योंकि पेमेंट के ऊपर बहुत बड़े स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चीजें परचेज कर लेते हैं और पेमेंट जो है इस पे बहुत बड़े बड़े हैकर्स भी बैठे हुए हैं, कि आपने ऑर्डर किसी और को दिया और बीच में लोग बैठे हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो साथ ही आपको ईमेल आती है कि जनाब आप इस पे पेमेंट कर दीजिए, अकाउंट किसी का आपने दे दिया, यानी कंपनी ने किसी और से डील चल रही है या उसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया कि आपको कहा जी आप एक हमारे अकाउंट में पैसे दे दीजिए, आपको अभी नहीं पता, आप तजर्बाकार नहीं है, आपने अलीबाबा के जरिए पेमेंट नहीं की, आपने डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट कर दी, तो क्या होगा, अलीबाबा कहेगा कि यार मेरे थ्रू तो पेमेंट नहीं की, मुझे तो नहीं पता। अब आप कहेंगे जी मुझे तो पता नहीं था कि मैंने पेमेंट आपके थ्रू करनी है या किसी और के थ्रू करनी है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता समझना है, लेकिन जब आप इंक्वायरी करेंगे तो ये सारी चीजें, पेमेंट ऑप्शन के बारे में पूछना है, कैपेसिटी ऑफ सप्लाई, क्या किस हद तक कितनी सप्लाई दे सकते हैं मुझे, क्योंकि अमेजोन के ऊपर जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो मसलसल आपको सप्लाई चाहिए होती है, एक दफा आपने चीजें दे दी बेच दी वो आपकी सप्लाई खत्म होगी तो अगली दफा आपने कोई नया सप्लायर तो नहीं ढूंढना, आपने कोशिश करनी है कि मेरे पास ऐसा सप्लायर हो कि जिससे कॉन्टिन्यूसली मुझे सप्लाई मिल सके। तो इस चीजों को भी देखना है,
योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इन सारी चीजों को देख के कुछ लोग आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे, कुछ नहीं उतरेंगे, और जो उतरे आप 3 लोगों को कम से कम सैंपल के लिए रिक्वेस्ट करें कि जनाब आप हमें सैंपल दें। जब वो सैंपल आपके पास आए तो सैंपल को आप खुद चेक करें, उनको इस्तेमाल करके चेक करें, और जो लोग आपके कंपेटिटर हैं आप खुद उनकी चीजें परचेज करें, उनके साथ कंपैरिजन करें। देखिए जब तक आप अपने कंपेटिटर से बेहतर चीज नहीं बेच रहे, कोई बंदा क्यों आपसे चीज खरीदेगा? एक आपसे पहले अमेजोन पे बेच रहा है, आप कहते हैं जी मैं भी बेचना चाहता हूं, तो वो लोग क्यों आपसे खरीदेंगे? देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कोई ना कोई तो डिफरेंस होना चाहिए, कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्लस पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि लोग आपके पास क्यों आए। तो ये कब होता है? जब आप अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, जब उसका पूरा आप समझ लीजिए कि पोस्टमार्टम करते हैं, आप उसका वीक पॉइंट ढूंढते हैं, और वो वीक पॉइंट आपने खत्म करना होता है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, और उसी चीज को आपने मार्केट करना होता है कि जी ये मेरी प्रोडक्ट में खूबी है और ये जो आपके प्रॉब्लम है ये हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी का मसला है तो आपको पता है कि मैं क्वालिटी के नाम पे बेचूंगा। अगर कोई प्रोडक्ट महंगी बेच रहा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो आपको पता है कि अब मैंने कम्पीट किस पे करना है, मेरी क्वालिटी वैसी है लेकिन मेरी प्राइस कम है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। तो आपको अगर अच्छा सप्लायर मिल जाता है तो आपकी एक बेस बन जाती है, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास सप्लायर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और सप्लायर ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है, आपको महीनों लग जाते हैं एक अच्छा सप्लायर फाइंड करने में। यहाँ पे वक्त लगा दें कोई मसला नहीं, लेकिन जब आपने अच्छा सप्लायर फाइंड कर लिया तो आप उसके बाद फिर आपके लिए बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। यानी दो चीजें आपने देख ली, प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, आपको पता चल गया यार ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, इसमें प्रॉफिट है। दूसरा काम क्या किया, सप्लायर ढूंढ लिया, आपको पता कि ये क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करता है, मसलसल मुझे चीजें प्रोवाइड करता रहेगा, मैं जब भी इसको कहूंगा चीजें मुझे मिलती रहेंगी, और सप्लायर भी ट्रस्टवर्दी है, अलीबाबा की तरफ से जो है वो इसको जो है वो वेरीफाई भी किया गया है, और बाकी सारी चीजें हैं। तो आपने दूसरा बड़ा काम कर लिया कि आपने प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली और आपने उसके लिए अच्छा सप्लायर भी फाइंड कर लिया, जिससे आपको म्यारी और सस्ती चीजें मिल सकती। ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले आपको सैंपल्स मंगवाने हैं, और सैंपल्स को आपने चेक करना है, और जैसे मैंने आपको कहा कि 20 लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजी, 20 लोगों में से आपने 3 लोगों को रिक्वेस्ट की कि मुझे सैंपल भेजिए, क्योंकि सैंपल मुफ्त में तो नहीं आएंगे, सैंपल पैसों के आएंगे, और अगर एक चीज $10 की है तो जब आप सैंपल मंगवाएंगे तो हो सकता है वो $30 का सैंपल आपको भेजे, वो सैंपल महंगे देते हैं, आप इतने ज्यादा सैंपल्स भी आप नहीं मंगवा सकते। और ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे चीजें जो है वो मंगवानी है, और आपने अपने कंपेटिटर की भी चीजें लेनी है। आप कहेंगे जी हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में तो अमेजोन अभी डिलीवरी नहीं कर रहा, तो आपको किसी ऐसी जगह पे डिलीवर करना है जहाँ पे आपका कोई दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, कोई यूके के अंदर, कैनेडा के अंदर, अमेरिका के अंदर हो, तो आप वहां पे उसके प्रोडक्ट मंगवाइए, उसको कहे यार इसकी वीडियो बना के मेरे साथ शेयर करो और मुझे बताओ कि कैसी क्वालिटी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये कोई बड़ा आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, फिर जाके एक अच्छी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। तो जब आपने ये सारी चीजें वेरीफाई कर ली तो फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस के लिए वंस यू हैव चोजन योर सप्लायर, यू नीड टू प्लेस एन ऑर्डर। नॉर्मली द फर्स्ट ऑर्डर शुड बी नॉट बी लार्ज, बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं प्लेस करना। कुछ लोग ये बड़ी गलती करते हैं, पहले जी 5,000, उसने कहा जी अगर 5,000 पीसेस लोगे तो मैं $5 कम कर दूंगा। आपने कहा यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, तो मैं क्यों ना कट, मेरे पास पैसे भी मौजूद है, मेरे पास इन्वेस्टर भी है, तो मैं क्यों ना 5,000 ले लूं। अगर मैं 100 जो है वो आइटम मंगवाता हूं तो मुझे वो मिल रही है $10 की, अगर मैं 5,000 कराता हूं तो मुझे वो मिल रही है $3 की, तो पैसों की तो मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टर, तो मैं $5,000 आइटम ऑर्डर कर देता हूं। इस लालच में खुदा न खास्ता अगर वो प्रोडक्ट ना बिकी, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको सेल करने में। इसलिए जितनी मर्जी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो, द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप कम आइटम्स लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल आप 100 का, 200 का, 500 से ज्यादा चीजें तो मंगवाई ना,
क्योंकि वो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा अगर वो चीजें ना बिकी। और जब तक चीज बिक नहीं ना जाती अमेजोन के ऊपर, तब तक वो जितने आप ये समझ लीजिए कि आपको पता नहीं कि बीच में कितने जो है वो अप्स एंड डाउन आने हैं। तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, जब भी एक्साइटेड होंगे तभी नुकसान कर बैठेंगे। आपने अगर बहुत अच्छा सप्लायर भी फाइंड कर लिया है, आपको रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आप हमेशा पहला ऑर्डर छोटा ऑर्डर प्लेस करें, 100 आइटम्स का, 200 आइटम्स का हद आप ऑर्डर प्लेस करें। यू कैन प्लेस अ स्मॉल ऑर्डर एंड यूज इट टू टेस्ट द मार्केट एंड गेट रेलेवेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। टेस्टिंग लाइक दिस इज अ ग्रेट वे टू नो द मार्केट विद योर प्रोडक्ट। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। आपने कभी भी यकदम आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अगर आप खुद भी कर रहे हैं, और अगर आप किसी बंदे को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो फिर भी आप उसके साथ नेकी कीजिए। आप उसको कहें कि जनाब मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो कि मैंने बड़ी प्रोडक्ट रिसर्च की है, ऑल्दो कि मैंने बहुत अच्छा सप्लायर फाइंड किया है, बट इवन देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जो है वो बड़ा ऑर्डर मंगवाएं। आप 200 पीसेस मंगवा लें, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये बहुत अच्छे सेल हो जाते हैं, अगर इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आता तो सप्लायर मेरे हाथ में, हम जितनी चीजें चाहेंगे मंगवा लेंगे। इसलिए गो विद द स्मॉल, ताकि आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी डेडलॉक सिचुएशन आ जाए कि आप समझ लें कि ना आप आगे के रहें ना आप पीछे के रहें। तो आपने पहला ऑर्डर बड़ा स्मॉल ऑर्डर करना है, ऑल्दो कि आपको महंगा पड़ जाए, बट दैट इज फाइन। लेटर ऑन जब टेस्ट हो गया तो फिर 5,000 की बजाय 10,000 की प्रोडक्ट ले लें, वो तो कोई मसला नहीं। रजिस्टर, जब आपको ये चीजें भी मिल गई तो फिर आपने क्या करना है, रजिस्टर एन अमेजोन अकाउंट। अब अमेजोन के ऊपर अपना पहले अकाउंट आपको बनाना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरा हमारा सेशन होगा कि अमेजोन के ऊपर कैसे अकाउंट बनाते हैं। शुरू में आप एज एन इंडिविजुअल अपना अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की कोई मंथली फीस नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज बेच रहे होते हैं तो एक चीज के बिकने के ऊपर एडिशनल $1 चार्ज करता है अमेजोन, तो वो दैट इज फाइन, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी चीजें बिकेंगी तो $1 देंगे ना, चीजें नहीं बिकेंगी तो आप नहीं देंगे। इसलिए टेस्ट करने के लिए इंडिविजुअल सेलर अकाउंट आपने बनाना है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ $0 पर मंथ, बट यू विल बी चार्ज अबाउट $1 फॉर ईच आइटम यू सेल ऑन अमेजोन। दूसरा है प्रो अकाउंट, यानी प्रो सेलर अकाउंट जिसको हम कहते हैं, इंक्लूड मोर फीचर्स एंड चार्ज $40, यानी 39.99, मतलब $40 पर मंथ चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो हर आइटम के ऊपर वो $1 एडिशनल चार्ज नहीं करेंगे। इसलिए शुरू में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, और लेटर ऑन जब हमने बड़े लेवल पे काम करना होगा तो फिर हमें पता है कि हमारी एक दिन में या एक महीने में हमारी जो है वो 500,000-2,000 आइटम बिकनी है, तो फिर हम जो है वो इसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम $40 वाला अकाउंट ले लेंगे। सातवां स्टेप क्या है जी, क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने क्या किया, देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद रखते जाएं कि स्टेप्स क्या हैं। रिसर्च की number 1, प्रोडक्ट सोर्स कर ली number 2, number 3 सैम्पलिंग करके ऑर्डर दे दिया। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास चीजें आ गई, तो फिर आपने अकाउंट ओपन किया। अब अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपने क्या करना है कि अब अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर अपनी लिस्ट बनानी है, अमेजोन के ऊपर अपनी शॉप बनानी है कि जनाब ये प्रोडक्ट है मेरी जो मैंने बेचनी, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी है, यानी उसके ऊपर अपनी शॉप क्रिएट करनी है और वहां पे बताना है कि जनाब ये मेरे पास चीजें हैं। और सिर्फ वहां पे आप नहीं बेच रहे, बहुत सारे और लोग हैं जो बेच रहे हैं। अब आपकी जितनी लिस्टिंग बेहतर होगी, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जब लोग सर्च करेंगे तो आपकी लिस्ट ऊपर आएगी। और इस लिस्टिंग को ऊपर करने के लिए एड भी चलाने पड़ते हैं, PPC भी करनी पड़ती है। यहाँ पे अब आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि पहले आपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग क्रिएट करनी है, और लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर एडवर्टाइजमेंट करना अगला स्टेप है, पहले हमने एक प्रोफेशनल तरीके से इसकी लिस्टिंग करनी है, जिसको आप कह लीजिए कि आपने डाटा एंट्री करनी है अमेजोन के ऊपर। चीजें आपके पास हैं, ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, अमेजोन को भी बता दिया कि जनाब ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, चंद दिनों में आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अमेजोन कहेगा कि चलो ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अकाउंट भी तुम्हारा ओपन हो गया, ये तुम लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो जो जो चीजें आपने हैं वो सारी, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, उसको आप काम कहेंगे कि जनाब ये मेरी 500 प्रोडक्ट्स हैं,
तो ये 500 प्रोडक्ट की तुम लिस्टिंग कर दो, वो आपको वन टाइम जॉब आप कहते हैं, आपने उसको कहा कि चलो ठीक है जी, उसने कहा जी मैं $200 लूंगा, आपने कहा कि चलो ठीक है जी ये $200 मैं आपको दे दूंगा, आप ये काम कर दीजिए। अदरवाइज सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस नहीं है, आप किसी और बंदे को कहते हैं कि जनाब लिस्टिंग क्रिएट करने के मैं $100 लेता हूँ, आपने फाइवर के ऊपर ये अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करना शुरू कर दी, अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करना शुरू कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करना शुरू कर दी, एड चलाना शुरू कर दिए, तो लोग आपके पास आते जाएंगे, आप उनकी लिस्टिंग क्रिएट करते जाएंगे, आप उनसे पैसे कमाते जाएंगे। तो हर चीज को दोनों एंगल से देखेंगे, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह से करेंगे, और अगर आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे और आप अगर जो है वो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं तो उस एंगल में भी पहले आप एक्सपर्ट होंगे तो फिर ही आप जो है वो आगे चल सकेंगे। यू हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग टू ऐड योर आइटम्स ऑनटू द प्लेटफॉर्म, देयर आर मेनी पार्ट्स टू क्रिएटिंग योर लिस्टिंग, यू हैव टू इंक्लूड क्लियर एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, आपकी फोटोग्राफी आपको करानी पड़ेगी, और ये फोटोग्राफी ऐसी नहीं कि आपने मोबाइल से चीजें खींची, तस्वीरें खींची और लगा दी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटोज बनाते हैं और उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उसका क्या साइज होगा, क्या उसकी रेजोल्यूशन होगी, इसके ऊपर भी हमारा पूरा लेक्चर होगा कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप सिर्फ जो है वो फोटोग्राफी की सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं तो आप अमेजोन पे ये चीज़ें बताएं, उनको बताएं जी कि जो अमेजोन पे लोग चीज़ें बेचना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई भी फोटोग्राफी कराना चाहता है प्रोडक्ट की तो मैं करके दूंगा, मैं इतने पैसे जो है वो चार्ज कर लूंगा। तो ये डिपेंड करता है अगर आप ये सर्विसेज खुद ऑफर करते हैं, अगर नहीं तो आपने डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी फोटोग्राफी करानी है ताकि वो अमेजोन के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके इमेज बने, क्योंकि जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है वो बड़ी डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं कि टेबल पर रख के तस्वीरें खींच के आपने खुद ही जो है वो अमेजोन को भेज देनी है, अमेजोन रिजेक्ट कर लेगा उन चीज़ों को, अमेजोन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए प्रोफेशनल तरीके से आपने काम करना है। मेक श्योर योर प्रोडक्ट आर प्राइम एलिजिबल। अब प्राइम एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये आप समझ लीजिए कि मेंबर्स हैं अमेजोन के जिनको वो फ्री डिलीवरी देता है, यानी डिलीवरी के पैसे नहीं लेता, लेकिन उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका क्राइटेरिया होता है कि वो उनकी सेल जो है वो एक खास क्राइटेरिया के मुताबिक हो, और जो बड़े एक्टिव मेंबर हो उनको वो प्राइम मेंबर कहता है। इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। एंड एंजॉय द फ्री शिपिंग ऑप्शन फॉर प्राइम मेंबर, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि अमेजोन को पता हो कि यार ये फ्री शिपिंग भी मैं दूंगा तो मेरे लोग जो है वो खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि डेफिनेटली आपकी चीज़ें बिकेंगी तो अमेजोन को पैसे आएंगे, आपकी चीज़ें बिकेंगी नहीं तो अमेजोन को पैसे नहीं आएंगे। अमेजोन भी चाहता है कि आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, तो वो ज़्यादा बिकेंगी कैसे? आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। लिस्ट में क्रिएट करते वक्त सबसे जो अहम चीज़ है वो इमेजेस हैं कि आपके क्वालिटी के इमेजेस होने चाहिए। जी नेक्स्ट जो है, लिस्टिंग क्रिएट कर ली तो अब आपने क्या करना है? लिस्टिंग तो आपने क्रिएट कर ली, अब आपने लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपकी चीजें बिकना शुरू हो गई, लेकिन फिर चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि प्रोडक्ट आपकी बिक जाती हैं और आपको अचानक पता चलता है कि जनाब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको अब नई प्रोडक्ट खरीदने में भी आपको वक्त लगेगा। जो आपने रैंकिंग सारी क्रिएट की थी, जब आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपकी रैंकिंग नीचे आ जाती है। तो ये ऐसा काम नहीं है, आपने अपनी इन्वेंटरी को मेंटेन करना होता है, आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है कि जनाब रोज आपको रिपोर्ट चेक करनी है कि मैंने अमेजोन पे 500 चीजें बेची थी, आज मेरी 10 चीजें बिक गई हैं, इतना जो है वो रह गया है। आपको पता है कि जब यार 50% चीजें बिक गई हैं, 500 में से 250 या 300 चीजें बिक गई हैं, तो अब आपको पता है कि मेरी नेक्स्ट जो है वो जो अगले 10 या 15 दिनों में या अगले एक महीने में मेरी 200 चीजें मजीद बिक जाएंगी, तो आपको अगली इन्वेंटरी पे काम कर देना शुरू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चीजें बिक जाएं और आपका जो है वो 10 दिन तक लोग ऑर्डर करते रहे और आपको आउट ऑफ स्टॉक आता रहे, तो जब आउट ऑफ स्टॉक आता है तो अमेजोन कभी भी आपकी ऊपर रैंकिंग नहीं दिखाएगा, आपकी वो सारी पोजीशन जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने का एक प्रॉपर सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से मैं चीज़ें मसलसल पूरा प्रोसेस क्रिएट करें
कैसे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, कैसे चीजें आएंगी, क्योंकि पहली दफा काम करना जरा मुश्किल होता है ना, उसके बाद तो रूटीन में चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपको बड़ा उस पर भी बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा. मैनेज योर इन्वेंटरी. अमेजोन एफ बी ए सेलर हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू देयर इन्वेंटरी. बड़ा खास तवज्जो देनी पड़ती है अपनी इन्वेंटरी के ऊपर. इन्वेंटरी लेवल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ट्राई टू मैनेज एंड रेप्लेनिश योर इन्वेंटरी प्रॉपरली. इट इज इम्पेरेटिव फॉर यू टू इंश्योर यू हैव एनफ टू सेल एंड कीप योर प्रोडक्ट इन्वेंटरी लेवल अवेलेबल फॉर योर मार्केट एंड सेल्स. आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतनी इन्वेंटरी होनी चाहिए कि मैं कभी भी ये ना हो कि वो रिप्लेनिश हो जाए, वो खत्म हो जाए. और इतनी ज्यादा इन्वेंटरी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको ज्यादा ही कॉस्ट पड़ती रहे, यानी अभी चीजें पड़ी हुई हैं तो आपने मजीद चीजें मंगवा ली, उसका भी आपको किराया पड़ना है. क्योंकि अमेजोन के एफबीए में जब आपने उसके स्टोर पे चीजें रखनी है तो जितनी ज्यादा चीजें होगी उतना ज्यादा किराया पड़ेगा. तो ना तो आपने कोई बहुत ज्यादा इन्वेंटरी मंगवा लेनी है कि आपको किराए के मद में आपका सारा प्रॉफिट निकल जाए, ना इतनी कम होनी चाहिए कि आप आउट ऑफ ऑर्डर या आउट ऑफ स्टॉक जो है वो चले जाएं. तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी. इफ यू सी दैट द आइटम इज गोइंग टू रन आउट ऑफ स्टॉक, ट्राई टू चेंज योर मार्केटिंग प्लान एंड प्लेस ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर टू रिप्लेनिश योर इन्वेंटरी लेवल. आपको पता है कि मैंने इसको कैसे अपने इन्वेंटरी लेवल को मैंने अपडेटेड रखना है, तो इसके लिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा. उसके बाद अमेजोन के ऊपर जब आप चीजें बेच रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है कस्टमर्स के रिव्यूज, कि कस्टमर्स आपके बिजनेस के बारे में क्या कह रहे हैं. अगर कस्टमर के रिव्यूज आपके बिजनेस के बारे में अच्छे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस चलेगा. लेकिन अगर कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता. क्योंकि ऑनलाइन चीजें परचेज करते वक्त जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑनलाइन गया हूँ चीज परचेज करने के लिए तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं रिव्यूज देखूंगा. एक प्रोडक्ट मैं खरीदने लगा हूँ जिसमें मेरे पास चार बायर्स हैं, क्योंकि गूगल अमेजोन ने तो सबको बताना है भाई आपने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, तो ये प्रोडक्ट ये 10 बंदे बेच रहे हैं. अमेजोन किसी को नहीं कहता कि किससे लो, अमेजोन कहता कि भाई ये आपने प्रोडक्ट है, आपने वाटर बॉटल खरीदनी थी, आपने उसको सर्च किया, अमेजोन ने आपको कहा कि ये वाटर बॉटल आपको मिल जाएगी और ये वाटर बॉटल बेचने वाले ये मेरे पास 10 लोग हैं. अब आपकी मर्जी है कि 10 में से जिससे मर्जी खरीद लो. अब आप क्या करेंगे एज अ कस्टमर, आप देखेंगे कि एक बंदा है जिसके ऊपर 1000 बंदों ने रिव्यूज दिए हुए पॉजिटिव रिव्यूज, दूसरा है जिसपे 400 बंदों ने रिव्यूज दिए हैं पॉजिटिव, तीसरा बंदा है जिसपे 100 लोगों ने रिव्यूज दिए और उसमें 50% नेगेटिव रिव्यूज हैं, एक बंदा है जिसके ऊपर जो है वो 5-7 रिव्यूज हैं और एक बंदा है जिसके ऊपर रिव्यूज कोई नहीं है. तो आप खुद सोचें कि आप किस बंदे से चीजें खरीदेंगे, ऑब्वियसली जिसके सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं. लेकिन इसके साथ साथ आपने इस चीज को भी देखना है कि भाई जो रिव्यूज जिसके अच्छे हैं वो एक चीज जो है वो मुझे $20 की दे रहा है और जिसके अभी कम रिव्यूज हैं वो मुझे $15 की दे रहा है और जिसके अभी बहुत कम रिव्यूज हैं वो मुझे $5 की दे रहा है. तो आपको ये देखने की जरूरत है, फिर आप क्वालिटी वगैरह और बाकी चीजें चेक करेंगे. लेकिन ऑनलाइन बंदा जो होता है परचेज करते वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसको पता है कि यार जहां से लोग खरीद रहे हैं ना भाई मुझे नया तजर्बा नहीं करना चाहिए, मैं वहीं से खरीदूंगा. तो आपने बकायदा कस्टमर्स के रिव्यूज लेने हैं कि जिस बंदे ने आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ली उससे आपने रिव्यू लेना है और कोशिश करनी है कि किसी तरह आपको पॉजिटिव रिव्यू मिल जाए. और बाजू का इस रिव्यूज के लिए हम लोगों को गिफ्ट भी भेज रहे होते हैं, गिव अवेज की कैंपेन चला रहे होते हैं कि लोगों को फ्री में हमने जो है वो चीजें दी और उनको बताया कि जनाब आप ये चीज इस्तेमाल करें और इसके बारे में रिव्यू मुझे दे दीजिए, मेरे ऑनलाइन स्टोर पे जाके आप रिव्यू दे दें. और इस रिव्यूज को हासिल करने के लिए आउट ऑफ अमेजोन भी आप काम कर रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पे लोगों को आप बता रहे होते हैं, कैंपेन चला रहे होते हैं और वहां पे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लिंक है मेरे अमेजोन स्टोर का, इस अमेजोन स्टोर पे जाइए और जाके मेरी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिव्यू कीजिए और ये मैं प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में दे दूंगा. बेशुमार तरीके हैं, ये तो वो सिंपल तरीका जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली गेम जो है वो रिव्यूज की गेम है.
तो आपको इसके ऊपर भी काम करना होता है. एज यू नो कस्टमर आर लाइकली टू रिफर द फीडबैक लेफ्ट बाय अदर्स अदर बायर्स हु हैव बॉट द आइटम्स बिफोर. Amazon customer reviews are important for your business. It is the credibility that you have built among your target customers. आपका जो review है उसी से आपकी credibility बनेगी और उसी की base पे लोगों ने चीजें आपसे purchase करनी है. There are many ways for you to do this. बेशुमार तरीके हैं जिससे आप reviews ले सकते हैं. You can write email to the customer to get to know their comments and about your products and services. आप उनको जिसने चीजें खरीदी आप उनको ईमेल कर सकते हैं. यू कैन बिल्ड योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड ट्राई टू गेट कस्टमर फीडबैक ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपका जो फीडबैक होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने अमेजोन अकाउंट के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करेंगे और वहां से भी लोग आपके बारे में, क्योंकि जब लोगों ने परचेज करना है तो वो सिर्फ अमेजोन पे नहीं रहेंगे, आपकी वो वेबसाइट अगर है तो उस पर भी जाएंगे, आपकी अगर सोशल मीडिया पेजेस हैं तो उस पर भी जाएंगे. यही वजह है कि जब आप अमेजोन पे बेच रहे होते हैं तो आपको फेसबुक मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, आपको पिंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ती है. उसकी वजह यह है कि जो अमेजोन का बंदा है वो आपके सोशल अकाउंट्स पे भी जाएगा, और अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किए हुए हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपसे चीजें परचेज करेंगे. तो हमने क्या करना होता है, जब हमारी सेल शुरू हो जाए तो खाली प्रॉफिट नहीं कमाना, हमने रिव्यूज भी कमाने हैं, क्योंकि रिव्यूज अगर आपके अच्छे आ गए तो फिर नया आपका जो कंपेटिटर होगा वो आपको कम्पीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको अकेले तो नहीं है कि आज आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली है तो आपको ये तो नहीं कर सकते कि जब तक आप पेटेंट नहीं करवा लेते ना प्रोडक्ट, अपने नाम से रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते, तब तक आप किसी को रोक नहीं सकते कि जनाब ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं तो आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते. कोई और बंदा आएगा आपकी जैसी सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच देगा, अमेजोन उसको नहीं रोकेगा. अमेजोन एक ही तरह से रोक सकता है कि जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं कि जनाब अमेजोन पे ये सिर्फ चीज मैं बेचूंगा, अमेजोन कहता है ठीक है जनाब रजिस्टर करा लें, इसकी एक फीस है, आप फीस दें, अपना डिजाइन अपनी प्रोडक्ट आप रजिस्टर्ड करा लें, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अमेजोन पे बेचे. लेकिन क्या होता है, ये तब होता है जब आपका ब्रांड डेवलप हो जाता है. शुरू में आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑलरेडी मार्जिन बड़े कम होते हैं, तो आप इतने बड़े एक्सपेंसेस की तरफ नहीं जाते. लेकिन बताने का मकसद ये कि अल्टीमेटली रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपने कस्टमर के रिव्यूज लेने हैं, क्योंकि अब आप जंग में आ गए हैं, अब आप भी बेच रहे हैं और आप जैसे 10 लोग और भी बेच रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं तो जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे वो आगे जाएगा और अमेजोन भी उसको ऊपर लेके आएगा और अमेजोन रिकमेंड करेगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा सप्लायर है. क्यों? क्योंकि उसको पता कि यार कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है. अमेजोन की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कस्टमर्स के बारे में बहुत टची है. वो कस्टमर को ये कहता है कि जनाब अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, नो क्वेश्चन आस्क, आप वो चीज़ वापस भेज दें, वो वापस कर लेंगे चीज, वो रिप्लेस कर देंगे. और इसमें आपको आप बाउंड होते हैं कि कस्टमर ने अगर चीज वापस कर दी तो आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते कि जनाब वापस क्यों होगी. अमेजोन ने उसके फौरन पैसे वापस दे देने. जब इतना बड़ा ट्रस्ट है कस्टमर को, यही वजह है कि मोर देन 50% जो आपकी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री अमरीका की वो इसके पास है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये अपना अपना बिजनेस फैलाते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोग डरते नहीं है अमेजोन पे खरीदते वक्त. जिस तरह हमारा ऑनलाइन एक एक्सपीरियंस होता है ना पाकिस्तान में, जिस तरह दराज पे बाकी किसी जगह पे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आप जो है वो खरीदते कुछ और हैं और आपको बीच में पैकेट में कुछ और चीजें निकल आती हैं, और फिर उन चीजों को वापस करना बहुत बड़ा मसला है. आप अक्सर तंग आके कहते हैं अच्छा यार चलो ठीक है मुझे साइज नहीं आया, तो जिसको साइज आया उसको गिफ्ट कर दो. पाकिस्तान में ये तरीका है, अमेजोन पे ऐसा नहीं होता. अमेजोन पे आपको कोई प्रॉब्लम है आप फौरी तौर पे कंप्लेंट करें कि जनाब ये प्रोडक्ट जो है, जो मैंने प्रोडक्ट दी थी वो नहीं है, प्रोडक्ट वही आप कहते हैं कि मैं क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं, मैं वापस करना चाहता हूँ. अमेजोन कहेगा नो प्रॉब्लम, आप वापस कर दीजिए, हम आपको पैसे वापस दे देंगे, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. तो जब कस्टमर्स को इतनी बड़ी तसल्ली है कि यार जब मैं चीजें खरीदूंगा मुझे अगर पसंद ना आई तो मैं वापस कर दूंगा, और अगर 2, 4, 5, 10 लोगों ने आपकी चीजें वापस कर दी और नेगेटिव रिव्यूज दे दिए, तो आप समझ लें कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. तो यहाँ पे रिव्यूज की बहुत बड़ी गेम होती है, कस्टमर के रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है.
इसलिए आप क्वालिटी मेंटेन करें। आप किसी को पुश नहीं कर सकते कि आप मेरी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दें। एक ही तरीका है कि आप सस्ती चीज, मयारी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली लोग खुश होते हैं और आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अच्छे रिव्यूज जो है वो देते हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज है जो हमें काम करना है अमेजोन के ऊपर, जब हम काम करें तो हमने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है? आप देखें, जैसे प्रोसेस तो सबके लिए सेम है, मैंने आपसे ये कहा कि 10 लोगों ने जो आपने प्रोडक्ट फाइंड की, वो 10 और लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड की, क्योंकि आप अमेजोन पे अकेले तो काम नहीं कर रहे। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, साथ में और लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, और 2-4-5 लोग ऑलरेडी हो सकते हैं बेच रहे हो। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब अमेजोन पे लोग सर्च करेंगे तो पहले किसकी सर्च लिस्टिंग ऊपर आएगी? उस बंदे की लिस्टिंग ऊपर आएगी जिसने SEO की होगी। इसलिए यहाँ पर SEO इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गूगल के अंदर आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, गूगल के ऊपर आपने कोई चीज परचेज करनी है, लेट से आपने कहते जी मैंने मोबाइल खरीदना है, आईफोन खरीदना है मैंने, आप अगर लिखते हैं तो आपको जितने बायर्स होते हैं वो उनमें से 3 से आ जाता है, लेकिन सबसे ऊपर एक बायर आ रहा होता है। आपने अगर कोई चीज खरीदनी है, आपने कहा जी मैंने हैंड फ्री खरीदनी है, तो हैंड फ्री खरीदने वाले हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक आ जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे। अमेजोन जिस तरह गूगल के ऊपर आपको पहले पेज पे 10 रिजल्ट आ रहे होते हैं, इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी आपकी लिस्टिंग जो है वो तरतीब से आ रही होती है। उसका भी एक रैंकिंग सिस्टम है, और वो रैंकिंग सिस्टम कैसे इम्प्रूव होता है? SEO के साथ। अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, अगर आपने इमेजेस अच्छे लगाए हुए हैं, अगर आपने कीवर्ड्स जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और अगर आपने बाकी जो चीज़ें हैं अच्छा कंटेंट लिखा है, तो क्या होगा? आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी। तो जब आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी तो डेफिनेटली आप ऊपर आएंगे। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है कि आप खुद काम करेंगे अगर आप VA हैं, आप दूसरों के लिए ये काम करेंगे, और अगर आप VA नहीं हैं, आपने VA से काम कराना है, तो आपको ये समझ आ गई कि मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कराना है, तो इस पर VA ने करना क्या है, ताकि आपको पता हो कि मैंने किसी से काम कराना है तो वो क्या काम करेगा। Try to monitor your sales performance and get to know your business within the market. Optimize your product listing to increase your website traffic and boost sale. Optimization should be a continuous process for Amazon seller. Amazon seller के लिए ये continuous process होगा। आप क्या करेंगे? Insert relevant keywords, 5-7 images of different angle, अपनी product के different angle से अच्छी quality के images आपके लिए लगाने। डिस्प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपके प्रोडक्ट के, वो आप डिस्प्ले करेंगे। यूज कंपेलिंग लैंग्वेज टू टेल अ स्टोरी, यूज कॉल टू एक्शन, ये सारी कंटेंट आपने लिखना है। तो ये SEO वाला बंदा कर रहा होता है, या आपने खुद अगर SEO सीखी है गूगल के ऊपर तो वो डिफरेंट होती है। अमेजोन के ऊपर बड़ी सिंपल सी SEO होती है, तो जिसको गूगल के ऊपर SEO करनी आती है वो अमेजोन के ऊपर आसानी से काम कर लेता है। इसलिए ये बड़ा सिंपल तरीका है कि किस तरह से आपने करना है। ये मैंने आपको आज पूरे 10 स्टेप बता दिए कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किस तरह से जो है वो स्टार्ट करना है। अगले लेक्चर में, अब ये जो 10 स्टेप्स है ना, यही आप समझ लें कि सारा VA का कोर्स है। ये 10 स्टेप ही आपने सीखने। अगले लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि आपने क्या करना है, प्लान कैसे क्रिएट करना है, अपनी नीच कैसे डिसाइड करनी है, और प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे। यानी VA का जो पहला काम होता है वो प्रोडक्ट रिसर्च होता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर या मार्केट रिसर्च के ऊपर होगा, कि हम कैसे मार्केट रिसर्च करेंगे, टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उन टूल्स को बगैर अगर हमने रिसर्च करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी जी हमारा जो टाइम है, हमारे पास तकरीबन 19-20 मिनट हैं, तो इसमें ये अमेजोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके बेशुमार आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिरी जो हमारा जो 20 मिनट हैं वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के रखें। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हों वो आप उस पूछ सकते हैं। तरीकाकार यही है कि 1 by 1 पूछेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आप जो है वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर हम उसका जवाब देंगे। आखिर में जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने ग्रुप पे एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, अमेजोन Q&A, अमेजोन के जो हैं Q&A यानी वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का एक ग्रुप है,
उस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप उनको क्वेश्चंस को लिखें ताकि हमारी टीम जो है वो उनका जवाब दे, और आप उनके साथ बाकी लोगों ने जो ज्वाइन किया है वो मैं बजाय इसके कि वन ऑन वन आप चीज़ आपकी चीज़ों का जवाब दूं, मैं इस चीज़ को प्रेफर करूंगा कि आप ग्रुप के ऊपर चीज़ों को क्वेश्चन पूछें और वहां पे हम आपके सवालों का जवाब दें। और दूसरा ये कि आईडी पाकिस्तान का चैनल का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वहां पे जो वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखें ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आंसर हो जाएंगे। जी तो मेरा ख्याल है जी अब मैं स्क्रीन जो है वो उसको शेयर नहीं करता और अब फेस टू फेस हम कुछ सेशन रख लेते। जी सवालात के लिए मिस्टर प्रभु, अगर आप सवालात के लिए सबको पूछ सकें और प्लीज कैरी ऑन। सर मेरे एक्चुअली तीन क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि इनसे बाकी लोगों के भी काफी क्यूरियस क्लियर हो जाएं। मैं स्टार्ट करूं अपने क्वेश्चंस? जी जी परवल जी, मेरा नाम परवल है और मैं ऑलरेडी एक ई-कॉमर्स क्लोथिंग स्टोर चला रहा हूं जिसके मेन प्रोडक्ट्स टी-शर्ट्स हैं, ये बाकी सबके लिए सर इंट्रोडक्शन। अच्छा सर, आपने कहा कि आप स्टार्ट 100 प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स से भी कर सकते हैं। अदर देन वर्चुअल असिस्टेंट, अगर हम अपना प्रोडक्ट लाइक मैं अपनी टी-शर्ट्स ही अगर लॉन्च करना चाहूं तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है अमेज़न पे लॉन्च करने के लिए? देखिए बात ये है कि डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। इस पे अगर आप ये देखना चाहें, डेफिनेटली आपको इस चीज़ को देखना है। मैंने मतलब ऑर्डर करने के लिए आपको कहा कि 100 आइटम्स आप कर लें, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वर्थ क्या है। अगर बहुत कम प्राइस की चीज़ है तो ऑब्वियसली जो है वो आपको भी पता है कि ये चीज़ तो बिक जाएगी चंद दिनों में, तो उसमें जो आप समझ लीजिए कि मिनिमम जो थ्रेशहोल्ड है दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर एवरी प्रोडक्ट, वो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न आपको अलाउ करेगा कि आप 100 चीजें दे दें, कुछ के लिए वो शायद आपको ना अलाउ करें। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बिक रहे हैं और वो कितना खरीदना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैंने फ्रिज बेचना है, अमेज़न पे बेच सकते हैं फ्रिज। अब फ्रिज बेचना है तो आपको पता है कि फ्रिज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बिकने की और कितनी देर में बिक जाएंगे, वहां पे तो शायद आप 100 कहें तो वो आपको मान जाए। और अगर आप कहें जी वो टी शर्ट है तो टी शर्ट तो अगर बिकने लगे तो एक दिन में 100 बिक सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो इसके लिए हर प्रोडक्ट के लिए थ्रेशहोल्ड डिफरेंट है, और जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे, जब आप प्रोडक्ट बताएंगे तो वहां पे अमेज़न आपको बताएगा कि जनाब जो आपकी प्रोडक्ट है इसके लिए मिनिमम आपको इतना स्टॉक रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी SEO का जिक्र किया, लाइक हम लोग ऑलरेडी फेसबुक पे एड्स लगा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, तो क्या अमेज़न के अंदर भी कुछ एड्स लगते हैं कि हम लिस्ट करें तो जैसे गूगल पे पेड एड का एड्स सबसे ऊपर आता है फिर SEO वाले लोग आते हैं, तो क्या अमेज़न के अंदर भी उसके एड्स होते हैं? जी, अमेज़न जो है वो सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, अमेज़न इज अ सर्च इंजन एज वेल। यानी जिस तरह गूगल के ऊपर पेड एड होते हैं, PPC होती है, सेम PPC आपकी अमेज़न के ऊपर भी होती है, और वहां पे भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जब कोई बंदा क्लिक करता है आपकी लिस्टिंग पे जाता है तो वो चीज़ें खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपको उसके लिए पर क्लिक पे करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है, इस पे आप अमेज़न की एड्स लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल गूगल की तरह काम करता है, ठीक है। और सर तीसरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा कि हर प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे रजिस्टर्ड या पेटेंट नहीं है, लाइक मेरी टी शर्ट कुछ हम रैंडम प्रिंटर्स से कोट्स उठाते हैं, डिजाइन उठाते हैं और लगा देते हैं, तो क्या अमेज़न पे कोई तरीका है कि हम सर्च कर सकें कि क्या ये डिजाइन अमेज़न पे पेटेंट है? अगर नहीं है तो फिर हम वो उसके लिए अमेज़न के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी है, वो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सबसे पहले काम ये करते हैं कि आप चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी ने पेटेंट कराया हुआ है, डिजाइन कराया हुआ है। तो वहां पे जाके आप पहले सर्च करते हैं, वहां पे आपको उसका फीडबैक मिल जाता है, तब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी है, उसका मैं लिंक आपसे शेयर करूंगा जैसे जैसे हम चीजें बताएंगे। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ऑब्वियसली हमने चीजों को करना है और इसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। सैमसन भाई, आपका एक क्वेश्चन था जो आपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, आप kindly सबसे पहले वो पूछ लीजिएगा। सैमसन भाई आप हैं लेक्चर में अभी? I'm sorry, मैं आप सवाल करना चाह रहे हैं सैमसन या सैमसून? There are two Samsons actually, I think.
Samsung Sherlock, let's party. Okay, all right. Thank you. Samsung भी कह रहे थे. Samsung भाई कह रहे थे. Samsung भाई, please carry on. Samsung भाई कहते, sorry. आप पूछ लें फिर. जी अपना माइक ऑन कर लें. जी समसून भाई आप सवाल कीजिए. मेरे ख्याल वो नहीं अवेलेबल. नेक्स्ट आप पूछ लें. आमिर साहब ने मेरे ख्याल हाथ उठाया. आमिर साहब आपने हाथ खड़ा किया था, आप पूछ लें काइंडली. जी मेरा नाम आमिर शहजाद है और फिक्सचर के नाम से एक बिजनेस रन कर रहा हूँ मैं. एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो हम जैसे अक्सर बात हो रही है कि पाकिस्तान में अमेजोन आ गया, तो व्हाट डज इट मीन कि जो अमेजोन का वेयर हाउस है वो भी पाकिस्तान में होगा? लाइक क्योंकि शिपिंग कॉस्ट के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आइदर वी हैव टू शिफ्ट इट इन यूएसए, तो इस पे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा. जी आमिर भाई, अभी जो फर्स्ट फेज है इसमें अभी आप पाकिस्तान को जो परमिशन मिली है वो ये मिली है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है अभी वो डिलीवरी सिस्टम नहीं हुआ. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आज अगर आप काम करते हैं तो आपको जो आपके नियरेस्ट एफबीए सेंटर है वहां पे आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचनी पड़ेगी. लेट से आपने चूज किया कि आप यूएसए में चीजें बेचना चाहते हैं, तो जो यूएसए के अंदर सेलर सेंटर है अमेजोन का एफबीए का, वहां पे चाइना से अगर आपने सोर्सिंग की है तो चाइना से आप वहां पे डिलीवर करेंगे तो वहां पे चीजें जाएंगी और आप अमेरिका में बेचेंगे. ये सबसे पहले जो आपने जो देखना है कि आपने मार्केट चूज करनी है कि आप बेचना कहाँ से चाहते हैं. क्या आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं? क्या आपको कनाडा बेचना चाहते हैं? आप यूएस, आप जो है वो यूके बेचना चाहते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया बेचना चाहते हैं? क्योंकि आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि कितनी कंपेटिटिव मार्केट है. अब यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए बहुत कंपेटिटिव मार्केट है. यूएसए के अंदर चीज बेचना जो है अब आप समझ लीजिए कि एक नए सेलर के लिए नामुमकिन हो गया है, जितना ज्यादा कंपटीशन है. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप वहां पे आते हैं, आपके पास बजट ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करने आपने यूएसए में करनी है ना, तो कम अज कम $20,000 से नीचे आप प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते. आपने यूके में करनी है तो आप $10,000 से $15,000 में आप प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं. तो अभी जो आपका जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए. अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी तो चीजें इनिशिएट हुई हैं. अभी लोग पाकिस्तान से अकाउंट ओपन भी उस तरह से नहीं कर रहे ऑफिशियली. अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने अकाउंट यूके के अंदर, अगर उन्होंने यूके में बेचना है तो वो यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवा के वहां पे अमेजोन का अकाउंट ओपन करा रहे हैं. अगर उन्होंने यूएसए में करना है तो वो यूएसए के अंदर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल नई चीज है. पाकिस्तान से अभी तो वो जो शिपमेंट जिस तरह से जानी है और पेपाल के साथ जो पेमेंट मेथड है अभी उसके ऊपर चीजें चल रही हैं, तो थिंग्स विल ग्रेजुअली, मतलब वो सारी चीजें जो है वो आएंगी. यस, आपके पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर ये है कि आपको चीजें शिपमेंट करनी पड़ेंगी जो जहाँ पे चीजें आप बेचना चाहते हैं. दूसरी बात के जो हमारा जो सेलर सेंटर है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है, उस पर काम शुरू हो गया है. नॉर्थ जनूबी पंजाब में जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और ऑब्वियसली इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप अमेजोन पे बेचने के साथ साथ अमेजोन पे चीज़ें खरीद भी सकेंगे, बट एट प्रेजेंट आप अभी खरीद नहीं सकते. अभी पाकिस्तान में उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मैं इनकरेज करूंगा अगर खवातीन में से कोई सवाल करना चाहे तो आपके पास मौका है. हेलो जी, गुड इवनिंग सर. माय नेम इज स्नेहा इमरान. जी सर, सर रजिस्टर एंड अमेज़न अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें.
इसके लिए एक तो शायद एक पूरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे कि आपने जब अकाउंट रजिस्टर करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अकाउंट रजिस्टर्ड होते हैं, एक है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आपके पैसे नहीं लगेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो रहे हैं आप लोग, आप वो उससे काम शुरू हो गया है, आप उसको कर सकेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या बड़ी सिंपल होती है कि जिस तरह बैंक अकाउंट आपने ओपन करना है ना, तो बैंक अकाउंट करने ओपन करने के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी आपको जब अकाउंट ओपन करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो अगर आप डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप आसानी के साथ अमेजोन पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा सेशन होगा और उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे और किन वजूहात की बिना पर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि ये तो ऑब्वियस है ना कि जितने भी ब्रांड्स अगर कोई आता है तो उसको पहले रजिस्टर्ड होना होगा। जी जी, फिर वो अमेज़न पे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें पर्पल दो चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएं, आप दूसरे ब्रांड्स की चीजें भी बेच सकते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद होती है। और जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड चीजें बेचें, बहुत सारी नॉन ब्रांडेड चीजें भी हैं जो जिसकी जिसपे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, जिसपे ब्रांड ने इजाजत की है जी कोई भी बंदा बेच सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ब्रांड्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर चीजें नहीं बेच सकते, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं उनको पता है कि यार चीजें बेचनी तो हमारी चीजें हैं ना, तो जितनी चीजें बिकेंगी चलो ठीक है, हमें तो प्रॉफिट उसका मिलेगा ना, हमारे चीजें कोई जो है वो कोई दूसरा बंदा तो नहीं बना सकता। उस पर होता है कि दो नंबर चीजें अमेजोन पे नहीं बिकती, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही बिकती हैं। लेकिन आप अगर अपनी अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करना चाहते तो बेशुमार अमेजोन के ऊपर जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, तो आपको बेशुमार ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जिनमें आपने जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च किए बगैर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अपना ब्रांड लॉन्च करना इज द लास्ट ऑप्शन, जो सबसे ज्यादा महंगी ऑप्शन है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन उससे पहले भी ऑप्शंस हैं कि आप जो है जिसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होती है कि आप ऑनलाइन ही चीजें एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह पे बेच देते हैं, यानी आपने प्रोडक्ट अलीबाबा से खरीदी और अमेजोन पे बेचना शुरू कर दिया, अब आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है, आप दूसरों के ब्रांड, उसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग, 10 बंदे बेच रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं भी ये बेच रहा हूँ। तो अगर आपने पिक्चर्स अच्छी लगाई है, ऑप्टिमाइजेशन की है, एसईओ अच्छी की है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ब्रांड लॉन्च करना कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट। जी, अब हम आखिरी सवाल लेंगे। समसून, आप सवाल करना चाह रहे थे? जी सर, मैं सवाल करना चाह रहा था कि मैं एज अ वीए वर्क कर रहा हूँ, एनेबलर से मैंने अपना कोर्स किया था, तो सर बेसिकली मुझे जो मसला आ रहा है ना वो पेपाल का है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है कि पेपाल अवेलेबल नहीं है, उसका वीपीएन लेके यूके या यूएसए से हमें ऑपरेट करना पड़ता है पेमेंट मेथड गेटवे के लिए ना, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई एसओपी बनाई है जो मतलब हम क्रिश्चियन को लिए पाकिस्तान में वो एक करामत साबित हो सके? जी समसून, आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन ये है कि अभी जो ऑफिशियली लीगल तरीके से पाकिस्तान में पेपॉल ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की है, और वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि पेपॉल ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो पहले रियलाइज नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान से वाकई कोई ऐसी क्वालिटी की चीजें आ सकती हैं। अब हमने जब केस पुट किया है तो हमने बताया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो
अमेजोन के ऊपर टेक्सटाइल बिक रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है, जो आपके ऊपर आपकी जो स्पोर्ट्स की चीजें बिक रही हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इनिशियली तो अभी जो आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी लिमिटेड लोगों को जो है वो अभी परमिशन मिली है, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें एक्सप्लोर हो जाएंगी तो अमेजोन के ऊपर जैसे हमारी जो इम्प्रेशन है वो बिल्ड बन जाए तो हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफी बेहतर हो गया, तो अमेजोन के साथ साथ पेपाल भी पाकिस्तान में वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून। अभी जो है इसका वही हल है जो आप कर रहे हैं, यही वजह है कि लोगों ने पाकिस्तान से अकाउंट रजिस्टर्ड अभी नहीं करवा रहे, इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पेमेंट मेथड का भी इशू है, तो स्टिल अभी देयर इज अ प्रॉब्लम और उम्मीद है कि ये जल्द सॉल्व हो जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, और मैं बाकी भी शुरका का शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़े इंटरेस्ट के साथ सबने आज इस सेशन को सुना, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाँ जी फरमाइए सर, आसिफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर सर जी मैं तो पहले अंजुम भाई का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, दे आर गिविंग ग्रेट नॉलेज, बिलीव मी एनेबलर्स वाले यही नॉलेज बहुत ज्यादा पैसे लेके देते हैं जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सो आई वांट टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया है, इसमें आसिफ भाई की बड़ी सपोर्ट है जी, बड़ा मुझे इनकरेज करते हैं आसिफ भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये बड़ा इनका प्लान है जी, ये कहते हैं जी कि हमें क्रिश्चियंस का एनेबलर बनाना चाहिए, कि हम जिस तरह एनेबलर में वो बच्चों को इनक्यूबेट कर रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, तो वी शुड मेक आवर ओन एनेबलर, तो खुदावन ने चाहा जो आसिफ भाई जरूर करके हम इस पे काम करेंगे। सर वो पेपॉल का मैं बताना चाहता हूँ, पेपॉल का एक अल्टरनेटिव है जो कि है बैंकिंग ई फॉर्म। जी जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल है, जो लोग मतलब के जो कंपनीज रजिस्टर्ड है ना पाकिस्तान में वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ई फॉर्म ले सकती हैं और फिर उसमें उनकी पेमेंट आ सकती है, फिर चाहे पेपॉल ना भी हो तो दे कैन डू द बिजनेस। जी आसिफ भाई बैंकिंग का ये सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली जो कन्वीनियंस है और जो आइडियल मेथड है वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून के पाकिस्तान में ये पेपॉल की भी इजाजत मिल जाएगी। आसिफ भाई का मैं थोड़ा सा बता दूं, आसिफ भाई जो है वो यूएसए में एलिमेंट 26 बहुत बड़ी कंपनी है, यूएसए का थर्ड बड़ा सेलर है, उसके ये सप्लायर है पाकिस्तान में, तो आसिफ भाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि किसी दिन आसिफ भाई जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी अमेज़न के बारे में जो है वो जरूर शेयर करें। जी लाजमी हम इस चीज को सर इनकॉर्पोरेट करेंगे आने वाले दिनों में। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा वक्त खत्म हो चुका है और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इसी दिन इसी वक्त मिलेंगे 6 बजे से 7:30 बजे तक। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ ग्रेट ऑडियंस, मजा आया जी आज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, सबने बड़े इंटरेस्ट के साथ सुना। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।